हेलो दोस्तों, मैं हूँ विराट चतुर और इसी यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर एक कंपनी के लिए एक लेटर ऐड होता है। एक कंपनी का लेटर ऐड के ऊपर अपना कोटेशन देते, इनवाइस देते, बहुत सारे जगह पे लेटर ऐड की ज़रूरत लगती और ये लेटर ऐड बनाने के लिए आपको DTP सेंटर या किसी प्रिंटिंग वाले के पास जाना पड़ता है। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है तो आप खुद आपका लेटर ऐड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना सकते हैं। तो आपके सामने जो अभी लेटर ऐड दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कंपनी का नाम है, नीचे स्लोगन है, उसके नीचे आपका पूरा कंपनी का डिटेल्स है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से, या तो आपका वेबसाइट है, और नीचे कंपनी का एड्रेस भी दिया हुआ है और कंपनी का लोगो है, और आपके लेटर ऐड के ऊपर वाटरमार्क में भी आपका कंपनी का लोगो है। तो ये किस तरह का लेटर ऐड किस तरह से बनाने का है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ का अपना कंपनी का लेटर ऐड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे बनाना है। तो चालू करते आज का वीडियो, अपना लेटर ऐड कैसे बनाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। एक कंपनी का डिसेंट लेटर ऐड बनाने के लिए सबसे पहले मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं वर्ड टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे आइकॉन्स दिखाई दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट में ब्लैंक डॉक्यूमेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा। अभी मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो गए। अभी इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मुझे लेटर ऐड बनाना है, तो सबसे पहले मुझे पेज जो साइज है उसको सेट करना है। तो यहाँ पे मैं पेज साइज सेलेक्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पेज साइज सेलेक्ट कर देता हूँ और A4 साइज को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, शेप के अंदर जाना है और यहाँ पे मुझे एक शेप लेना है। अभी मेरे माइंड में किस टाइप का लेटर ऐड बनाना है, उसके अंदर उसको कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे शेप करना है, अब अपने ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं एक मेरा जो माइंड में डिज़ाइन है उसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो इस टाइप का एक मैंने शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इसको मुझे रिवर्स में चाहिए तो यहाँ पे रोटेट ऑप्शन में जाके इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ और इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। मतलब ये जो ज़्यादा साइज़ है ये लेफ्ट साइड में आ गए और कम साइज ये राइट साइड में आ गए। अभी नीचे का जो शेप है इसको मुझे चेंज करना है, एडिट करना है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है एडिट पॉइंट करके, तो यहाँ से मैं उसको एडिट कर सकता हूँ किस तरह से उसको मुझे एडिट करना है। नॉर्मली ऐसा मैंने एक शेप दे दिया यहाँ पे, समझो। अभी यहाँ पे इस जगह को फॉर्मेट में जाके अलग अलग कलर का ऑप्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको किस तरह का कलर का ऑप्शन चाहिए, इसके नीचे मुझे थोड़ा सा और शैडो चाहिए, तो इसको सेम कॉपी पेस्ट कर दूंगा Ctrl+C Ctrl+V और इसका थोड़ा सा साइज बड़ा करके उसको बैक साइड में डाल दूंगा। यहाँ पे पोजीशन में उसको सेंट बैक करूंगा और नीचे का जो कलर्स है ना डार्क में ले लूंगा। इसको यहाँ से मैं डार्क का कलर का इस्तेमाल कर देता हूँ। अब इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए मैं इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स में जाता और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करके मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। एक टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है अच्छी तरह से, तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर देता हूँ एक अलग अलग तरह के स्टाइल से। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका जो फिल कलर है इसको नन करते, नो फिल कलर, और जो हॉट बॉक्स है उसको भी नो हॉट बॉक्स कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा साइड बड़ा कर देता। अगर चाहता हूँ तो यहाँ से मैं उसका फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, अलग अलग तरह के फॉन्ट आ जाएंगे। फॉर्मेट में जाके अगर चेंज करना चाहता हो तो यहाँ से चेंज भी हो जाएगा। तो नॉर्मली इस टाइप का मैं इसको यहाँ पे रखते, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, मेरा कंपनी का नाम लिखते हैं। यहाँ पे मुझे नीचे स्लोगन चाहिए, यहाँ पे मैं स्लोगन लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज में बड़ा कर देता हूँ और नीचे स्लोगन लिखने के लिए वापस वही करूँगा, इंसर्ट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जाके ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे मुझे स्लोगन लिखना है, वहाँ पे मैं यहाँ पे मैं स्लोगन लिख देता हूँ। इसमें भी
फिल कलर मैं नो फिल कर देता हूँ और आउटलाइन का भी नो आउटलाइन कर देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ जिससे टेक्स्ट दिखाई देगी। और होम में जाके इसका भी अगर मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। अलाइनमेंट सेंटर करना चाहता हूँ तो सेंटर कर सकते। अब ये राइट सेंटर में कैसे आ जाएगा तो आपको ये प्रॉपरली शो करेगा। पर यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको अगर मैं अलग टेक्स्ट फॉर्मेट देना चाहता हूँ तो यहाँ से फॉर्मेट दे सकता हूँ यहाँ पे क्लिक करके उसको अलग। फिर इसके बाद यहाँ पे मुझे लोगो चाहिए तो इसके लिए मैं इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके यहाँ पे मैं डाउनलोड में मैंने एक लोगो से इसको मैं सिलेक्ट कर देता। लोगो बहुत बड़ा हो गया इसको छोटा कर देता, लोगो सिलेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे उसको फ्रंट साइड में लेके आता हूँ, स्क्वायर को छोटा कर देता। तो इस टाइप का यहाँ पे इन लोगों को मैं सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे वापस इंसर्ट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे शेप में जाना पड़ेगा और लाइन ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ जहाँ पे मैंने लाइक है। अभी अगर फोन नंबर्स, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस अगर यहाँ पे मुझे लिखना है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। उससे उसके लिए मैं वही करूँगा, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स में जाके ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी लिखा है तो यहाँ पे मैं उसका सिंबल भी इंसर्ट कर सकता हूँ। इंसर्ट में जाके मुझे आइकॉन्स में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट, मोबाइल नंबर्स ये सब लिख दिया है मैंने। और यहाँ पे सेम उसको मैं फॉर्मेट में जाके इसको नो फिल कलर करूँगा और नो आउटलाइन कलर करूँगा। और ये टेक्स्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे जाके उसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ और यहाँ पे उसको बोल्ड करके कलर को वाइट कर देता। इसको थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ और इस साइड लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे नीचे तो इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। यहाँ पे इस शेप है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके फिर इस तरह का मेरा ये ऊपर का टॉप हो गया। अभी एड्रेस में नीचे का साइड में लिख देता हूँ, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, यहाँ पे पेज का जूम कम कर देता हूँ और जो एड्रेस है वो नीचे के साइड में मैं लिख देता हूँ। तो उसके लिए सेम ऑफिस में इंसर्ट में जाके शेप में जाके यहाँ पे एक कलर बॉक्स डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं एड्रेस लिख देता हूँ। तो एड्रेस लिखने के लिए वापस वही करूँगा, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स में जाके ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स और किस जगह पे मैं जो कंपनी का एड्रेस है इसको मैं लिख देता हूँ और यहाँ के ऊपर डाल देता हूँ ऑफिस एड्रेस। इसको साइज बड़ा करके बोल्ड करके अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ और इसको थोड़ा साइज बड़ा करते इसको यहाँ पे रखता हूँ। और इसका भी सेम फॉर्मेट में जाके शेप में जाके नो फिल कलर्स और नो आउटलाइन फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर को वाइट कर देता हूँ। दोनों का जो स्पेसिंग है उसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ कम कर। तो इस तरह का एड्रेस हो गया ऑफिस एड्रेस और यहाँ पे ऑफिस एड्रेस। तो इस तरह का मेरा लेटर ऐड बन गया। अभी यहाँ पे मुझे डालना है बीच में लोगो वाटरमार्क में। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइन में चला जाऊँगा, वाटरमार्क में जाऊँगा, यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क में जाऊँगा, यहाँ पे पिक्चर में सेलेक्ट पिक्चर में जो मेरा लोगोज है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ब्राउज में क्लिक करता हूँ, कंप्यूटर के अंदर मैंने उसको डाउनलोड करके रखा है। यहाँ पे ब्राउज में क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ओके पर। तो देखो मैंने लेटर ऐड के ऊपर मेरा लोगो एक कंपनी का वो भी आ गया और लेटर ऐड भी मेरा बन गया। तो इस तरह का जो लेटर ऐड है बना सकते हैं आप एकदम इजी तरीके से। दोस्तों तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।